हो चुका है पाचेस, 17,000 प्रॉफिट। देखिए मोमेंटम इस तरह होते हैं गाइस। चलो अभी मैं क्विक रिवर्सल स्कैल्प करूंगा, जस्ट वन क्लिक एंड प्रॉफिट बुक हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग सीरीज की डे नंबर 9 में आपका स्वागत है। किस तरह की कैंडल्स बन रहे हैं देखिए, मोमेंटम तो आ चुका है। आज का डेट है 12 मार्च 9:33 एंड मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे चलो एक इंदामनी कॉन्ट्रैक्ट ऐड करता हूँ, 20,800 की इंदामनी। एंड ये देखिए किस तरह की कैंडल्स बन रहे हैं, माय गॉड, इस जो कैंडल्स है इनका मैं मेजर लेना चाहूँगा लाइक दिस। 159 पॉइंट्स मूव दे चुका है ये कैंडल, थोड़ा सा ट्रेस होने दीजिए देन हम सोचेंगे ठीक है एंट्री लेने की। मोमेंटम तो आ चुका है मार्केट में। लेट्स से ये जो प्रीमियम था इंदामनी क्या बोल रहा हूँ, 20,871 टू यहाँ पे 206 इसने हाई मार दिया 30 सेकेंड के अंदर गाइस। ओके, मार्केट में तो तेजी आ चुके हैं। लेट्स सी अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्कैल्प करते हैं। हो चुका है पाचेस, चलो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 6,000 प्रॉफिट, 17,000 प्रॉफिट। देखिए मोमेंटम इस तरह होते हैं गाइस, ये स्कैल्पिंग नहीं होते। 18,000 प्रॉफिट, लेट मी शो यू ऑर्डर बुक। 9:35:01 and 07 यानी 6 सेकंड के अंदर हमने स्कैल्पिंग कंप्लीट की प्रॉपर एसएल के साथ। ये जो टर्मिनल है जो हमने इस्तेमाल किया था चार्ट के ऊपर, ये है धन का टर्मिनल। यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो आसानी से, स्टॉप लॉस को ड्रैग करके चार्ट के ऊपर कहीं पर भी आप ड्रॉप कर सकते हो। ये फैसिलिटी धन प्रोवाइड करते हैं, इसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। गाइस बहुत सारे कमेंट्स प्रीवियस वीडियो में मुझे मिल रहे थे, सर आप गैम्बलिंग करो क्या, गैम्बलिंग में इस तरह की रिस्क मैनेज होते हैं? गैम्बलिंग वो होता है कि आपको बिल्कुल आपको पता नहीं है कि आपका रिस्क कितना, जो भी अमाउंट आपने लगाया वो जा सकता है या फिर आप करोड़पति बन सकते हैं, हीरो या जीरो होता है गैम्बलिंग। यहाँ पे मैं हर ट्रेड में 200-250 पॉइंट्स की रिस्क ले रहा हूँ, जहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 500, 2,000, 10,000 है। अपने सारे वीडियोज आप देखिए, उनको आप गैम्बलिंग कह रहे हो, इट्स ओके, ये आपका कॉल है, आप कह सकते हो, बट इट्स नॉट गैम्बलिंग गाइस। हो सकता है कि मेरा एंट्री थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, लेकिन मैं प्रॉपर एसएल के साथ चलता हूँ, रिस्क को मैनेज करके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि ओटीएम को परचेस करके आपने 2 दिन में कैपिटल उड़ा दिया और उनको आप ट्रेडिंग कहते हो। देखिए कि मैं हर चीज में कैसे रिस्क को मैनेज करके चल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे मोटो क्या है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। ये स्कैल्पिंग है, बाइंग नहीं है, हम यहाँ पे ज्यादातर पोजिशन में रहेंगे नहीं, मूव को पकड़ के। जैसे कि अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली, जैसे मोमेंटम आया ट्रेड बनाया एंड 18,000 प्रॉफिट हमने बना लिया, राइट? तो मोमेंटम की इंतजार करना होता है एंड थोड़ा सा प्रॉफिट लेके स्कैल्पिंग में निकलना होता है। ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं कि ट्रेंड को पकड़ के चलना है, ऑप्शन बाइंग अलग चीज है, ऑप्शन सेलिंग भी अलग चीज है। सो गाइस यहाँ पे मैं नेक्स्ट पोजीशंस यहाँ पे एक बार एंट्री करना चाहूंगा एंड क्वांटिटी वुड बी लेस, रीजन बिल्कुल क्लियर है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए अभी फिर से यहाँ पे 9 फीट मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड मोमेंटम दे दे, लेकिन टॉप लॉस शुड बी 233 में स्टॉप लॉस, यानी 20 पॉइंट का भी इनिशियल स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन कर रहा हूं और इनको ट्रेल करके चलेंगे। लेट्स सी, ₹1,000 प्रॉफिट हो रहे हैं सेकेंड पोजीशन से। हो चुका है सेलेट, चलो अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, मोमेंटम के बाद हो सकते हैं थोड़ा एक्युमुलेशन फेज बनाए एंड देन मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट? तो प्राइस बिहेवियर देखते हुए हम डिसीजन लेंगे, सो इट्स टाइम टू वेट। सो अभी टाइम है 12:08 एंड देखिए जितना बाइंग उतना सेलिंग, यहाँ से रैली देखने को मिला था, बेस बना के ड्रॉप एंड उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस। अभी मार्केट क्रूशियल जोन में है एंड ये जो जोन है 800 एंड 900, ये जो 100 पॉइंट है ये 100 पॉइंट में टाइम बिता सकते हैं, टाइम डी के हो सकते हैं। तो आज इसका एक्सपायरी है फिर निफ्टी का, तो हमको क्या करना, इग्नोर करना चाहिए जब तक इस लेवल की ब्रेकआउट ना हो। 900 के ऊपर जाएगा तो सी साइड के लिए हम सोच सकते हैं, 800 के नीचे आएगा तो हम पुट के लिए सोच सकते हैं मोमेंटम को देखते हुए। तो अभी अगर मेरे बात करें तो देखिए मैंने 2 पोजीशंस बनाया था, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ 281 में हमने एग्जिट लिए थे एंड देन देखिए अभी 80 में ट्रेड कर रहे, यानी 200 पॉइंट प्रीमियम डाउन हो चुके हैं। और आप लोग बोलते हैं आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हो इसलिए हिट हो जाते, हिट होने दीजिए। आपका विनिंग रेट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करते हैं। अगर आपका विनिंग रेट ओनली 33% भी है, यानी 50% से भी लेस है, और आप 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ प्ले आउट कर रहे हो, तो अगर 33% विनिंग रेट होते हुए भी आप प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि आपका जब लॉस ले रहे हो लॉस छोटा ले रहे हो,
चार बार आपने पोजीशन बनाया, तीन बार आपका एसएल लेट, एक बार अगर आपका टारगेट भी हिट हो जाए 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अलग अलग होते हैं सभी का स्ट्रैटेजी, ये चीजें आपको समझना होगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ भी कमेंट कर दोगे तो वो सही नहीं होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको वही सजेस्ट करना चाहूंगा, आपका हार्ड एंड मनी है तो इनको लूज मत करें। मैं कोई थंबनेल में भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लगाता हूं, या फिर जो कोर्सेस है, कोर्स भी नॉट फॉर सेल गाइस। कोर्स उन लोगों के लिए है जो हमारे अंडर अकाउंट ओपन करते हैं, उन लोगों को कुछ लर्निंग में देना चाहता हूं। यहां पे देखिए लर्निंग कोर्सेज है, तो आफ्टर अकाउंट ओपन एक कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। चलो फिर से मूव देना स्टार्ट कर दिया है फिर निफ्टी, बट हम फोमो में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्विक रिवर्सल स्कैल्प करूंगा एंड दैट वुड बी आवर लास्ट ट्रेड। चलो यहाँ पे मैं 20,900 पुट नहीं और इन द मनी लेना चाहूंगा 21,000 पुट, 128 के आसपास चल रहा है, एंड इनको मैं बाय करना चाहूंगा एंड प्रोफा एसएल के साथ। तो चलिए मैंने यहाँ पे प्रोफा एसएल के साथ पोजीशंस बना चुका हूँ, सो लेट्स सी। चलो मैं यहां पे कर देता हूं प्रॉफिट बुक, जस्ट वन क्लिक एंड प्रॉफिट बुक हो चुका है। और ये था रिवर्सल स्कैल्पिंग, राइट। देखिए ये चीजें आपको समझना होगा, यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बुलिश साइड मूवमेंट दे रहा है और हम यहां पे पुट साइड में पोजीशंस बनाया, तो ये हो गया रिवर्सल स्कैल्पिंग। पुट साइड में क्यों लिया, क्योंकि देखिए आज की अगर 5 मिनट चार्ट में देखे जितना बाइंग हुआ उतना सेलिंग, हालांकि उससे भी नीचे डीप बना के फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे ही एक अप मूव मिला तो ऊपर में मैंने पुट परचेस कर लिया। दैट्स व्हाई ये देखिए, अगर मैं इसको होल्ड किया होता तो और अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते थे, बट इट्स ओके, ये था रिवर्सल स्कैल्पिंग, तो इसलिए क्विक होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा क्विक लेके निकल जाओ, ऐसा नहीं है कि देखिए अभी तो इतना आ गया आप होल्ड नहीं किया, आप थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकते और डाउन हो जाए। ये बाइंग है, आप सेलिंग नहीं कर रहे हो, सेलिंग में क्या होगा टाइम डी के आपके फेवर में होता है, तो ये चीज आपको समझो। इन द मनी पे करो, लेस क्वांटिटी के साथ करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करो। तो यही पे हम खत्म करते हैं सेशन को, और कुछ भी क्वेरीज है फिल पी टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन गाइस, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। एंड लेट मी शो यू द पीएनएल, फाइनल पीएनएल देखिए 20,000 रुपीस हम बना चुके हैं आज के दिन, एंड ओनली 4 ट्रेड में, एंड सारे ट्रेड का पीएनएल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड चलिए मैं आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूं, ये था ऑर्डर क्विक स्कैल्पिंग की है, पहला स्कैल्पिंग आप देख सकते हो, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं कल, एंड हम जल्दी कल या परसों सेलिंग स्कैल्पिंग भी स्टार्ट करेंगे, सेलिंग भी करेंगे प्रोपा एसएल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।